तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश जिसका नाम है शुरकोरमा। अगर आपको भी मीठा पसंद है या आप घर में होने वाले फंक्शन में मीठा बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता और खजूर को भिगो कर बारीक बारीक काट लिया है। हमने ये सारी चीजें 200-200 ग्राम के करीब में ली है। आप चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और साथ में हम यहाँ पर 50 ग्राम खरबूज के बीज और 50 ग्राम तरबूज के बीज भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमने शिरकोरमा बनाने के लिए बर्तन ले लिया है जिसमें हम 250 ग्राम के करीब में जो है घी डालेंगे। घी के गर्म होने के बाद हम अब इसमें हमारे ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने भिगो कर काट कर रख लिए थे, जो कि हमारे काजू, बादाम और पिस्ता और खजूर वगैरह थे। वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट जो है अच्छे से लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं, यानी कि अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसी बर्तन में खरबूज और तरबूज के बीज को भी भून लेंगे। फिर हम इसी घी में 100 ग्राम किशमिश को भी डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इस घी में डालेंगे हमारी सेवियाँ। सेवियाँ को आपको अच्छी तरह से तोड़ लेना है, उसके बाद इसमें डालना है ताकि वो अच्छी तरह से भुन जाए। जिस तरह मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरह करेंगे। आपको सेवियों को कुछ इस तरह से भून लेना है क्योंकि सेवियाँ जितनी अच्छी तरीके से भुनी जाएगी आपके शिरकोरमे में इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी आप देख सकते हैं हमने सेवियों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसी बर्तन में दूध डालेंगे। यहाँ पर हमने 5 से 6 लीटर के करीब में जो है दूध लिया है। अभी दूध को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क मेट। ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। ये 380 ग्राम का है जो कि हम यहाँ पर आधा यूज करेंगे, पूरा हम यूज़ नहीं करेंगे, आधा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर हमने 2-3 चम्मच शक्कर में जो है थोड़ी सी इलायची डालकर इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया था, वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप भी इसी तरह इसमें यूज़ करिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 200 ग्राम के करीब में शक्कर को ऐड की है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप शक्कर को कम भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। शक्कर डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इसको चला लेना है। अब हम हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून कर रख लिए थे उसको इसमें एक एक करके डालेंगे। आप इन ड्राई फ्रूट को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको दोबारा कभी शिरकोरमा बनाना हो तो आप उसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर धीरे धीरे करके जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसको इसमें डाल देते हैं और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने के बाद आपको शिरकोरमे को अच्छी तरह से चला लेना है। आपको करीब 4 से 5 मिनट इसी तरह शिरकोरमे को चलाना है। अभी आप देख सकते हैं हमारे दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें जो है हमारे भुनी हुई सेवियों को डालेंगे। दूध में उबाल आने के बाद में आपको जो है भुनी हुई सेवियां इसमें डालनी है। आप एक ही साथ सारी सेवियां ना डाल दें बल्कि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके सेवियां इसमें डालें और साथ में जो है चलाते रहें इसको ताकि ये अच्छी तरह खिला खिला बने, और 5 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते रहिए। अभी आप देख सकते हैं हमारा शिरकोरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसका टेक्सचर बता देती हूँ, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अभी मैं इसको आपको परोस कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इस स्वीट डिश को जो है अपने जो ईद वगैरह में या घर में कोई छोटे मोटे फंक्शन वगैरह हैं तो आप उसमें इसको बना सकते हैं। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिए और मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें वगैरह मत जाना, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।